हेलो बच्चों, छत्तीसगढ़ में अध्ययन रहा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए माह जुलाई का मासिक टेस्ट हम कहेंगे या मासिक मूल्यांकन आ गया है, जो कि कुल 25 अंकों का है। तो खंड आ जो होगा 20 अंकों का होगा, जिसका प्रश्न पत्र आपको मिल जाएगा और स्कूल में उसको सॉल्व करना होगा अपने विषय के कालखंड में। और खंड बा जो है वो प्रायोजना यानी प्रोजेक्ट कार्य का है, जो आपको दिया जाएगा कि 2 से 3 दिन में आपको करना होगा। सभी विषय के प्रोजेक्ट कार्य मैं इस वीडियो में लेके आया हुआ हूँ। यदि वीडियो अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल पहली बार आए हुए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे कि आगे भी ऐसे ही वीडियो मिल सकें। तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले हम हिंदी विषय में देखते हैं। तो हिंदी में कक्षा 7 में आपको जो प्रश्न 10-9 तक के प्रश्न जो हैं वो आपके खंड आ के होंगे, जो कि 20 अंक के रहेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है वो 5 अंक का होगा और 6 मासिक मूल्यांकन होना है, जुलाई अगस्त का, अक्टूबर नवंबर और जनवरी और फरवरी। बीच के जो हैं सितंबर दिसंबर और अप्रैल जो हैं वहाँ पर आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं होंगी। इसको हम देखते हैं। विद्यालय में स्वच्छता पर आधारित प्रायोजना बनाइए। इसके लिए आप चाहें तो एक ड्राइंग शीट ले सकते हैं और उसमें विद्यालय में स्वच्छता अपनाने के लिए क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, आप चाहे तो मॉडल भी बना सकते हैं, जैसे डस्टबिन का मॉडल बना सकते हैं। साफ सफाई के लिए क्या क्या उपयोग करना है, सही तरीके से हाथ धोना है, सैनिटाइजर का उपयोग है, इन सभी चीज़ों को आप चाहें तो जो भी स्वच्छता पर आधारित चीज़ें हैं उनका सबको चित्र बनाते हुए डिटेल में लिख लेंगे तो ये प्रायोजना आपका पूरा हो जाएगा। अगला विषय है अंग्रेजी। इसमें है ड्रा ए पिक्चर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग एंड डिस्क्राइब इट। तो आपको जो हमारा तिरंगा है, नेशनल फ्लैग तिरंगा है, उसका चित्र बनाना है और उसके बारे में बताना है। तो चित्र बनाएंगे तो कलर भर लेंगे, आप जानते हैं 3 कलर होते हैं, केसरिया, श्वेत हरा और नीला कलर में बीच में चक्र बना हुआ होता है, इनके बारे में फिर अलग से बताना है होता है। आप डिटेल में बताएंगे, जैसे केसरिया त्याग का, श्वेत शांति का, हरा उन्नति का प्रतीक होता है, चक्र के बारे में 2400 घंटे तत्पर रहने के लिए होता है। तो इस तरह आप पूरा कंप्लीट एक डायग्राम बनाते हुए, चित्र बनाते हुए उसके बारे में विस्तार से लिख देंगे तो आपको ये 5 अंक मिल जाएंगे। संस्कृत में आपका प्रयोजन है आधुनिक यंत्रों पर आधारित प्रायोजना बनाइए। आधुनिक यंत्र मशीनें जो होती हैं, किसी भी मशीन में, चाहे वो मोटर गाड़ी हो, चाहे खेती में काम आने वाला हो, चाहे कल कारखाने से संबंधित हो, चाहे हमारे दैनिक जीवन संबंधित हो, उससे संबंधित कोई भी ऐसा मॉडल भी आप तैयार कर सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं। जैसे अग्निशामक यंत्र भी होता है, उन सब का चित्र भी बना के आप डिटेल से लिख सकते हैं तो आपका ये वाला पूरा हो जाएगा। आपके अध्याय में भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। गणित में 3 त्रिभुज बनाइए, जिसमें एक विषमबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज है। प्रत्येक त्रिभुज की सभी भुजाओं पर लंबावर्धक खींचे। इन 3 त्रिभुजों में लंबावर्धक कटान बिंदु की स्थिति पर अपनी राय लिखिए। तो आपके पुस्तक में सब बताया हुआ है। आप जैसे विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग आकार की हों, अलग अलग लंबाई की हों। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, उसे समद्विबाहु कहते हैं। और समबाहु मतलब जिसकी 3 भुजाएं एक समान हों, 3 कोण भी 60 अंश के हों। इनके भुजाओं के बीच में लंबार्धक खींचिए और 3 भुजाओं के लंबार्धक के कटान बिंदु, माने उनको जो भी भुजाएं हैं उनको आधे से काटते हुए लाइन खींचना है और उसके बारे में अपनी राय, जहां पर वो 3 लाइन आपस में कटेंगी उसके बारे में हमको अच्छे से लिखना है। जो केंद्र होगा उसके बारे में अच्छे से हम लिखेंगे तो ये 5 अंक मिल जाएंगे। विज्ञान में अपने आसपास सर्वे करके यह पता लगाइए, प्राचीन समय तथा वर्तमान समय में भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाते थे। सर्वे कर लीजिए तो आप पता करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जिसमें है तालाब का निर्माण करना, नाले नदी में स्टाप डैम का निर्माण करना, बहुत सारे खेतों के बीच में एक गहरा खेत तैयार करके उसमें पानी इकट्ठा कर लेना, बारिश के जल का संग्रहण करना, उसमें मुख्यतः पहले तालाब, बांध, इन सब का निर्माण करके भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जाता था। इसको आप अपने आसपास पूछ के अच्छे से लिख सकते हैं। अगला विषय है सामाजिक विज्ञान। यदि कोई व्यक्ति विधायक बनना चाहता है, विधायक बनने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो विधायक बनने की पात्रता क्या होती है वो आपके पुस्तक में दिया हुआ है कि न्यूनतम 25 साल उम्र होनी चाहिए, कम से कम उस राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के कहीं पर वो वोटर होना चाहिए, उसके बाद ही वो विधानसभा चुनाव होता है। तो किसी विधानसभा क्षेत्र से एक निश्चित फॉर्म है जिसको भर के वह
चुनाव से गुजरेगा जहां मतदान होगा और अगर अधिक मत पाता है तो उस स्थिति में विधायक बनेगा। इस सारी प्रक्रिया आपके पुस्तक में है, इसको पूरे प्रोसेस को आप लिखेंगे तो ये 5 अंक आपके हो जाएंगे। इस प्रकार आपके सभी 6 विषय के प्रायोजना के प्रश्न रहे हैं, तो इस अनुसार आप तैयार कर लेंगे तो आपके 6 विषय में 5 के अनुसार 30 अंक हो जाएंगे।